हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग करेंगे और कटिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये रहेगी आज सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सूट कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, कैसे कट करते हैं, तो वो आपको बताऊंगी मैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिए होते हैं सूट की। हमें लेंथ चाहिए होती है, हमें चेस्ट या ब्रेस्ट आप कुछ भी कह लो। हिंदी में लिखना है, हिंदी में आप लिख सकते हो सीना, छाती, कुछ भी जो आपको इजी लगे, जो आपको सही लगे। उसके बाद वेस्ट चाहिए होती है, हिप चाहिए होता है, नेक चाहिए होता है, फ्रंट एंड बैक दोनों, स्लीव्स चाहिए। तो ये देखिए लेंथ हम अपने कस्टमर के हिसाब से रखेंगे, जो भी लेंथ होगी। मान लीजिए हमें 40 लेंथ तैयार करनी है। यहाँ हमारा मेजरमेंट मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, आप उसी हिसाब से जो भी मेजरमेंट होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है कि मेजरमेंट लेते कैसे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप जाके चेक करना, आपको समझ में आएगा कि बॉडी मेजरमेंट लेते कैसे हैं। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि क्योंकि हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं ये चीज़ें सिखाने के। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोज़ देखेंगे, शेयर करोगे आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने मेजरमेंट 36 ले लिया है, ये 32 है और 36, ये हमने अपने हिसाब से मेजरमेंट ले लिया है। आप जैसे मेजर करोगे उसी हिसाब से ये मेजरमेंट रहेंगे। जिसका भी आपको मेजरमेंट लेना है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। नेक का स्टैंडर्ड साइज 6 इंच होता है, उससे ज़्यादा बड़ा करते हैं तो वो डीप भी हो सकता है, तो वो कस्टमर की चॉइस होती है। अगर किसी को डीप नेक चाहिए होता है तो ही हम डीप नेक करेंगे। फ्रंट नेक का स्टैंडर्ड साइज 6 इंच होता है। उसके बाद बैक नेक जिसकी चॉइस होती है 7, 8, 9, 10, 6, कोई लोग 3 इंच 4 इंच, जितना भी आपको रखना है आपकी कस्टमर की चॉइस होगी। स्लीव्स की लेंथ भी अपनी कस्टमर की चॉइस होती है, 10, 11, या फिर फुल स्लीव्स चाहिए या बिल्कुल छोटी स्लीव्स चाहिए, तो वो अपनी चॉइस होती है। उसके बाद स्लीव का राउंड होता है, इसको आर से डिनोट करेंगे। और राउंड भी आप हम ऐसे जहाँ से भी हमें, जैसे यहाँ से हमारी स्लीव आ रही है तो हम यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे, जो हमारा राउंड आएगा वही स्लीव का राउंड होता है, तो जितना भी आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब कपड़े पे इसको ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं इस मेजरमेंट को, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मान लेते हैं हमारा फैब्रिक है, ये हमारा फैब्रिक है। अब ये मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है। 2 फोल्ड यानी कि 2 लेयर है यहाँ पे कपड़े की। लेयर 2 है लेकिन हमने फोल्ड 1 बार किया है। ये हमारी बंद वाली साइड रहेगी, यहाँ पे लिख देते हैं फोल्ड वाली साइड रहेगी। ये हमारी ओपन वाली साइड रहेगी, इस साइड से हमारा कपड़ा खुला हुआ होता है। अब सूट में जो भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो हमारी सब कुछ बंद साइड से होता है, खुली वाली साइड से हम नहीं कट करेंगे। अगर हमने खुली वाली साइड से कट कर दिया तो वो हमारा बीच से कपड़ा कटा हुआ आएगा, वो हमारा पूरा खराब हो जाता है। तो ज़्यादातर हर चीज़, कुछ भी चीज़ बना रहे होते हैं तो हमारा फोल्ड साइड से कट होता है, ओपन साइड से कट नहीं होता है। तो हमें एक मेजरमेंट और रह गया, यहाँ पे हमें शोल्डर भी चाहिए होते हैं। अब शोल्डर नापने का तरीका मैंने बताया था, अगर आप इस एंड से इस एंड तक बिल्कुल शोल्डर जॉइंट से अगर आप शोल्डर कट कर लोगे तो वो गड़बड़ हो जाता है, तो कंधे आपके गिरने लग जाते हैं। तो वो मैंने फर्स्ट क्लास में वो भी मैंने बताया है कि शोल्डर कैसे लेते हैं। तो मान लीजिए किसी का शोल्डर 12 है, तो इस मेजरमेंट को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर शोल्डर 12 है तो यानी कि 6 हो गया, उसको 2 से डिवाइड करके सबसे पहले हमें लेंथ चेक करनी है। अब ये 40 है लेंथ, तो मान लीजिए यहाँ कहीं हमारा 40 आ रहा है, ये हो गई हमारी लेंथ, हो गई 40 इंचेस। उसके बाद हमें लेना है शोल्डर। अब शोल्डर हमें लेना है 6, तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे, ये हो गया हमारा 6 इंच। उसके बाद इसी लाइन को नीचे लेके आएंगे। अब कितना नीचे लेके आएंगे, अगर 6 शोल्डर है तो शोल्डर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा यानी 6.5 इंच इसको हम डाउन लेके आएंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब इसी लाइन पे हमें अपना चेस्ट का मेजरमेंट लेना होता है। अब ये देखिए 36 है हमारा नाम। अब 36 का अगर आप एग्जैक्ट 36 का फोर्थ पार्ट, हर मेजरमेंट, ये तीनों मेजरमेंट 4 से डिवाइड होंगे, तो अब इस मेजरमेंट को अगर 4 से डिवाइड करके आपने 9 लिख दिया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो ये 9 आ गया।
अब ये अगर आपने 9 8 9 बिल्कुल यहाँ 9 बना दिया, यहाँ 8 बना दिया और 9 बना दिया, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट पे आपने कट कर दिया, तो वो सूट आपका सही नहीं बनेगा, वो एग्जैक्ट फिट नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे 3 इंच ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 इंच ऐड करेंगे और यहाँ पे 3 इंच ऐड करेंगे। तो अब ये हमारा मेजरमेंट क्या आएगा, 36 + 3 यानी 39/4 9.75। अभी 32 + 2 34 यानी कि 8.5। अभी ये फिर से 9.75। तो इस मेजरमेंट पे हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले इसी लाइन पे हम चेस्ट का मार्क हम लगा लेते हैं, यानी कि ये हमारा यहाँ कहीं मान लीजिए 9.75 आया है, तो ये हो गया। अब इस लाइन से 6 इंच नीचे, इस लाइन से यहाँ कहीं मान लीजिए हमारा 6 इंच आ रहा है, 6 इंच नीचे एक लाइन और खींचेंगे। अब इस लाइन पे हमारा वेस्ट का मेजरमेंट आएगा। अब इसी पॉइंट से 14 इंच नीचे, अब यहीं से 14 इंच नीचे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 14 इंच रहेगा टोटल डिस्टेंस, ये 14 इंच है। और इस पे हम अपना हिप का मेजरमेंट लेते हैं, हिप या जो चाक की स्लिट होती है वो। अब सूट के पल्ले क्या होता है, अगर हमें स्ट्रेट पल्ला लेना है तो ये हमारा जहां से मेजरमेंट लेंगे उसी को सीधा कर देते हैं, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, चेस्ट का मान लीजिए हमारा 9.75 है, तो यहाँ कहीं हमारा 9.75 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 9.75 की मार्किंग कर देंगे। उसके बाद वेस्ट हमारी आ रही है 8.5, तो यहाँ कहीं होगा हमारा 8.5, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया। उसके बाद 9.75, ये 8.5, ठीक है। अब ये तीन हमारे पास निशान आ गए, अब इन तीनों निशानों को हमें ऐसे जोड़ना है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच ये ऐसे मार्किंग करनी है, और इस लाइन को सीधा लेके आएंगे नीचे, अगर हमें स्ट्रेट पल्ला बनाना है तो, सूट के पल्ले सीधे बनाने हैं। और ए लाइन में अगर पल्ला बनाना है तो इस लाइन को हम लेके आएंगे ऐसे टेढ़े, अगर ए लाइन पल्ला बनाना है तो ये मेजरमेंट हो जाएगा हमारा स्ट्रेट पल्ले के लिए, और ये हो जाएगा अगर इसको ऐसे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा ए लाइन, ए लाइन पल्ला रहेगा सूट का। तो ये तीन मेजरमेंट हो गए हैं। अब ये मान लीजिए ये हमारा सूट का फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये वाला चीज 1 इंच हमारी रहेगी, 1 इंच पे निशान लगाया। और यहाँ से लगभग हाफ यानी 3 इंच, यहाँ से 3 इंच तक हम डाउन जाएंगे सीधा, और उसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे हाफ इंच, अंदर की तरफ जाके इससे मिलाते हुए इस लाइन पे हमें ये मिला देना है, यहाँ से हमें अंदर की तरफ जाना होता है, ये हमारी मार्किंग रहेगी फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये हमारा सूट का फ्रंट पार्ट पूरा ड्रॉ हो गया है। अब गला क्या करते हैं, गला हमेशा सूट का हम लगभग 3 इंच पे लेते हैं, जब तक किसी को छोटा गला या बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ गला नहीं चाहिए होता है तब तक हम 3 इंच पे कट करते हैं। तो यहाँ से 3 इंच पे ये हमने मार्किंग की, और डाउन हमारा फ्रंट हम 6 ले लेते हैं, 6 इंच। और यहाँ पे जो भी आपको शेप बनानी है, राउंड रखना है, स्क्वायर रखना है, यू शेप रखना है, वी शेप रखना है, वो शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हाफ इंच, ये हमने जो हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था वो इसलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि हमें शोल्डर डाउन करना होता है। तो यहाँ पे हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, तो ये हमारा हो गया शोल्डर डाउन। तो ये पूरी हमारी हो गई है सूट के फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हमें करना है, ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा, बैक पार्ट के लिए थोड़ा सा चेंज होता है वो मैं आपको बताती हूँ क्या। अब बैक पार्ट के लिए मैं इसको फ्रंट को इरेज कर देती हूँ, फिर हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक के लिए भी सेम रहेगा, शोल्डर 6 इंच, यहाँ पे 6.5 इंच डाउन, यही लाइन पे हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे 9.75। या हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के सिर्फ हमें आर्म होल बढ़ाना होता है, जो हमने यहाँ से 1 इंच लिया था उसी को 1.5 इंच करेंगे, 1.5, और जो यहाँ से अंदर गए थे वो अंदर हमें नहीं जाना है, यहीं से सीधा 1.5 इंच पे, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मिलाते हुए हमें ऐसे मिला देना है। इसमें हमें यहाँ से जो हम अंदर गए थे वो हमें अंदर नहीं जाना है, ये 1.5 इंच पे हमें रखना है। ये चीज सिर्फ हमें बढ़ानी होती है, जो हमने फ्रंट के लिए 1 इंच ली थी
वो ही बैक के लिए हमें 1.5 इंच चाहिए होती है। बाकी हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के हम पूरा सेम ही कट कर सकते हैं, 9.75, 8.5 और 9.75। हम सेम ऐसे भी निशान लगा के दोबारा से वही चेस्ट, वेस्ट और हिप का मार्क लगा के उसको भी हम कट कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा सूट का बैक पार्ट रहेगा। अब बैक का गला जितना भी आपको बनाना है, 3 इंच भी लेना है, 7, 8, 9 जितना भी आपको करना है ऐसे लेके, जो भी आपको शेप बनानी है, राउंड रखना है, यू रखना है, वी रखना है, जो भी शेप बनानी है, तो वो ऐसे ही रहेगा। सेम 1/2 इंच यहाँ पे भी शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हो गई हमारे सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट की आप चाहते हो कि हम कुछ इंप्रूव करें, कुछ आपको कमी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।